नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे किचन में। तो दोस्तों, शादियों का खाना तो हम सभी लोगों को बड़ा पसंद आता है, पर उसमें मिलने वाली आलू गोभी की सब्ज़ी की तो कुछ बात ही अलग है। तो वही रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने ये गोभी काट ली है एक बड़ी साइज़ की, और एक आलू ले लिया बड़ा, और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट और हरी मिर्ची काट ली है, और ये टमाटर हमने कद्दूकस कर लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है, और ये एक बड़ा प्याज, और ये हमने तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी ले ली है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने कढ़ाई ले ली है, उसको गर्म कर लिया है, उसमें तेल डालेंगे हम। हमें गोभी को फ्राई करना है, शैलो फ्राई करा है हमने, तो फ्राई भी कर सकते हैं आप लोग। गोभी और आलू भी डाल देंगे इसमें हम, अभी दोनों को फ्राई कर लेंगे हम, जब तक हमारे सुनहरे लाल कलर के ना हो जाए। तो लीजिए, हमारे आलू गोभी पक चुके हैं दोस्तों। इसी तरह से सुनहरे रंग के करने हैं हमें, ज़्यादा भी नहीं पकाना है। तो आइए बनाना अब शुरू करते हैं। अब जीरा ले लेंगे हम, आधा चम्मच डाल देंगे। ये हमने तेज पत्ता जो लिया था, खड़े मसाले, वो डाल दिए दो छोटे आकार के। बड़ी इलायची, दालचीनी डाल दी दो दो छोटे छोटे। चला लेंगे थोड़ा सा। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया हमने आधा चम्मच, इसको भी थोड़ा पका लेंगे हम। हमने इसमें एक जो बड़ा प्याज काटा था वो डाल दिया है, इसको भी चला लेंगे। प्याज हमारा पक चुका है अपना। अब इसमें हम टमाटर का जो कद्दूकस कर रहा था, पेस्ट बनाया था, उसको डाल देंगे। इसको भी चला लेंगे हम। ओके, एक मिनट तक पका लेंगे। एक मिनट के बाद देखिए, हमारा टमाटर भी अच्छे से गल चुका है। अब इसमें हम मसाले डालते हैं। धनिया पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच डाल दिया, नमक स्वाद अनुसार। ये अनारदाना होता है, ये अनारदाना डाल दिया हमने, जो इजीली मार्केट में मिल जाता है। अनारदाने को हमने मिक्सी में पीस लिया था, थोड़ा सा क्रश कर लिया था, उसको चला देंगे। अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको पका लेंगे अपने मसालों को। Thank you.
लीजिए दोस्तों, मसाला हमारा पक चुका है अच्छे से। अब हम इसमें आलू गोभी डाल देंगे जो हमने फ्राई किए थे। इसके अंदर हमने हरी मिर्च जो काटी थी वो डाल दिया, ये अदरक के लच्छे काटे थे वो भी डाल दिए, और ये आधा चम्मच चाट मसाला लास्ट में। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको फिर दोबारा 1 मिनट तक के लिए इसको पका लेंगे। तो लीजिए देखिए तैयार है हमारी सब्जी। अब इसके अंदर हम फाइनली टच दे देंगे, कसूरी मेथी डाल देंगे, अदरक के लच्छे डाल देंगे, बस इसको चला देंगे अब। तो लीजिए तैयार है हमारी आलू गोभी की रेसिपी।